बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें मेरी तरह। तो जी इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ वीडियो का आगाज़। तो आज क्या बनाने लगे हैं जी? आज बनाने लगे हैं हम पनीरी मेवो। जी अम्मी जी, आज क्या बना रही हैं? वाओ माशाल्लाह जी, इतने सारे मेवे। हाँ जी, ये कौन कौन से मेवे हैं? ये सब मेवे हैं, ये देखें। ये पंजीरी बनाने लगी हूँ मैं, जिसकी कमजोरी है, जिसका दिमाग कम है। अच्छा। जिसकी ताकत नहीं है कंधों में, घुटनों में। हाँ जी। ये एक दवाई भी है। अच्छा। और एक ये जब बच्चा माँ बनती है, जो डिलीवरी होती है, हाँ जी, भी खाते हैं तो बूढ़े जवान बच्चे सब। तो इससे ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। हाँ जी, सबके लिए बनाने लगी हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना है। और आज की वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं इतने सारे मेवे हैं और अम्मी आज बनाएंगी और आपको आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। तो जी मैंने ये देखें जी, मैंने मेवे लिए हैं सब, ऐड में दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं। ये मगज़ हैं, ये भी आधा पाव हैं। अच्छा। और ये काजू हैं, ये भी आधा पाव हैं। और ये बादाम है, ये भी आधा पाव हैं। और ये किकर गूंद है। अच्छा। ये भी आधा पाव ही है। और ये भी आधा पाव है पिस्ता। और ये हाँ जी पिस्ता। और ये निश्ता। और ये है जी वो दाखे किशमिश। किशमिश जी। तो ये अखरोट। और ये है जी छुहारे। छुहारों को कर लेना आपने बारीक। ये देखिए अम्मी ने ना, अम्मी ने पहले ये कर रही थी गुठलियाँ बराबर करना, तो इसमें तो इसमें से गुठली हैं, फिर ये छुरी से आपने इसको बारीक कर लेना। तो ये भी एक पौध भुने हुए चने हैं। आपका दिल करे आप सूजी भी ले सकते हैं, इसमें मूंग की दाल भी ले सकते हैं, माँच की दाल भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी ले सकते हैं। मैंने लिए हैं भुने हुए चने। चने तो एक पाव मैंने लिया, ये देसी शक्कर बोलने या खांड देसी। हमारे अब्बा जी तो खांड बोलते थे अपनी बोली, हमारी बोली में तो यही है ये। आप पता नहीं इसको क्या कहते हैं क्या नहीं। तो ये थोड़ी सी लिया मैंने अजवाइन, अजवाइन जायके के लिए। जायके के लिए तो ये अभी हरी इलायची, सब इलायची। तो ये है जी काली मिर्चे, आपका दिल करे डाल लेना, लेकिन मैंने डालनी है ये क्योंकि आंखों के नजर तेज होती है इससे, आंखों की ना नजर के लिए। और अम्मी इसका नहीं बताया। और ये है जी मखाने, ये भी मेरा ख्याल आज को ही है। हाँ, मियाँ जी को पता, मियाँ जी लेके आए हैं, मैंने तो सामान लिख के दे दिया था, तो मियाँ जी लेकर आए, ये भी आज पे ही है। हाँ जी, चलो जी इनको बनाते हैं। तो ये देखें जी, अम्मी ने सारी चीज़ें आपको बताई हैं कि कितने ग्राम ये चीज़ें हैं। हाँ, और अब अम्मी इनको बनाना भी स्टार्ट करेंगे। आपके सामने ये किस तरह बनेगा वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को फुल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, आपने मेरे साथ ही रहना है, आपने समझना है ये कैसे बनाया। अगर गलत हुआ तो आपने ये बताना है कि कमेंट में बताना है कि आपने ये हम जो ये तरीका बना रहे हैं सही है या नहीं है, तो आपने ये लाजमी बताना है। और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं लेकिन अम्मी फिलहाल इतनी ही चीज़ें कर रही हैं। चलें जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जी आप इधर ही बैठ के बनाएंगे ना, सामने ना ना अच्छे से नजर आएगा बनते हुए ना, इजी। हाँ जी, यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, छोटा सा किचन का जैसे माहौल है इसी तरह ही बना हुआ। हाँ जी ठीक है। नारियल है, खोपरा भी कहते हैं इसको। हाँ जी, सूखा नारियल है। हाँ जी, ये मैंने धो लिया था, धो के मैंने साफ कर लिया, कल भी आया था, मैंने सारी चीजें साफ करी है। ये धूप में रखी है, ये भी धूप में रखी है, ये किकर का गूंद, क्योंकि जल्दी फिर ये फ्राई होता है। हाँ जी, तो कल वो रात आया, वो उठा के चला गया, मुझे बताया भी है, इतनी परेशानी हुई है। अब मैंने नया मंगवाया ये, अब इसको कर लेते हैं, ये देखें ऐसे करते कर। तो जी देखिए इसमें ना ज़्यादा टाइम लगेगा करने में, तो इतना ये होता है, फिर आपको दिखाते हैं सर। ओके, ये इस तरह करके छुहारे कूट लेने हैं, मैंने कूट ली ऐसे करके छुहारों को, इसमें कूट लेने। ठीक हो गया।
अभी ये इतना ये करते हैं फिर उसके बाद आपके आपको सब कुछ शेयर करेंगे। ये देखो इसको ऐसे कर दिया, कर लेना सारा मिल कर दिया। और ये भी मैंने कूट लिया छुआरे। हाँ जी छुआरे कूट के अब इनको करते हैं फ्राई। तो ये देखिए मैंने चूल्हा जला लिया, इस पे रख लिया मैंने कढ़ाई और इसमें एक चम्मच डालूंगी घी, सिर्फ एक ही चम्मच डालना है देसी घी। देसी घी इसमें बनता ही देसी घी से, आपकी मर्जी है आप दूसरा ले सकते हैं, तो नहीं आपके पास तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये घी मेरा गर्म हो गया, अब इसमें डालने लगी हूँ मैं पिस्ते, और आपने आँच हल्की रखनी है, इनको धीरे धीरे चलाना है, चलाना नहीं है इनको, हल्के हल्के से रोस्ट करना। हाँ जी ये देखिए मैंने इसमें पिस्ता ऐड कर दिया है, अब अच्छे से हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगेगा। आपस में पूरा फिर ये खुलने लग गए, ये बहुत हो चुके हैं। जो जो होते जाएंगे इसमें निकालती रहोगी। ठीक है ये देखिए पिस्ता तो हो गया है ब्राउन। इसमें डलने लगे हैं काजू, ये इतना घी नहीं पीते ना। नहीं ये अम्मी ने घी कम ही डाला। कितने अच्छे कलर आया इसका, ब्राउन ब्राउन सा लाइट लाइट का। देखिए काजू भी हो गए हैं फ्राई। तो इसमें हम लेंगे एक चम्मच और घी, देसी घी है मेरा ये। इन्हें इतना जमा हुआ सर्दी ठंड की वजह से ना, ना गर्मियों में तो ऐसे पिघला होता ही है। तो जी आपने बताना है यहाँ अम्मी बैठी कैसी लग रही हैं, कैसी कैसे आज तो कुकिंग है नहीं ये ना मुझे, क्योंकि ये तो हमारी ये पंजीरी बन रही है, क्योंकि आज का कोई खाने का प्रोग्राम नहीं है ना, आज सारी रात पंजीरी बनानी है आपने, तो और इसी से ही रोटी खाएंगे हम। बादाम दे तो मुझे तो अपने अम्मी अबू याद आ गए, हमारे मेरी भाभी के बच्चे होते थे ना। हाँ जी मेरी अम्मी अबू दोनों मिलकर बनाते थे, दोनों मिलकर बनाते थे, इतना जायका होता था, इतने मजे के बनते थे, बहुत अच्छे लगते थे। शादी नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा तो मेरे अपने बच्चे हुए तो मुझे अच्छे भी नहीं लगे, मैं बनाते थे ना। हाँ जी जिससे खाया भी जाता था पर अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन अब जी अम्मी की पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, अम्मी जब जब बना रही हैं अब्बू को, अम्मी को याद। अम्मी अब्बू बनाते हैं। हाँ जी सही बात है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, जिनके नहीं है उनको जन्नत नसीब। हमारी भी अम्मी अब्बू को भी जन्नत नसीब, हमारी अम्मी भी बनाती थी, हम छोटे छोटे थे इतना याद ही नहीं है हमें कैसे बनती थी, पर बनाती थी। आमीन। तो आज अम्मी की नई सुबह से अम्मी ने मंगवाया ना जब से सामान, जब से कह रही है अम्मी मेरी अम्मी बनाती थी, अब वो बनाते थे, याद तो आती है ना, क्योंकि बड़े ही बनाते हैं। बनाते थे फिर सारे जमा हो जाते थे। हाँ जी थोड़ी थोड़ी इस तरह प्याली में सब कुछ खाते थे। हाँ देखना अच्छे है, खुशी इतनी होती थी। हाँ जी और मेरे भाई तो वैसे ही बना लेता था, बड़ा भाई ना। अच्छा किसी का छिलक नहीं होता था, अपने बच्चे होते थे वैसे भी बना लेते थे। क्यों भाई ठीक है ना? हाँ जी क्योंकि ये बनाते थे ना, क्योंकि ये हर खा सकते हैं, क्योंकि ये ताकत की चीजें हैं। वो देखो बादाम पटकना शुरू हो रहे हैं, चल के ना आ जाए। रोस्ट हो गए हैं। हाँ जी ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे पॉपकॉर्न नहीं बचते हैं। ऐसे चटक चटक
कि घी में बनता है देसी। जी अब्बू बनाते थे ना भाई। हाँ जी, जो अम्मी के जितने भी भाई अम्मी के सब अम्मी का चैनल देख रहे होंगे तो आपको भी याद आएगा कि अम्मी जी ऐसे बनाती थी। हाँ जी, ये तो ऐसे यादगार चीज़ें हैं जो जहन से ही नहीं जाती। और क्या दूँ? अखरोट। चलो जी, अखरोट भी अब इसी तरह ही अम्मी कर लेंगी। लाइट लाइट सब ब्राउन करना है। हाँ जी, इतने टाइम भी नहीं लगना, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही, बस एक एक दो दो मिनट। हाँ जी, ताकि ना मिनट टाइम ही नहीं लगना इतना, ठीक है। हाँ जी, ताकि ना इसकी अलग से जो खुशबू आएगी ना फ्राई होके, खुशबू आ रही है जैसे फ्राई हो रही है, बहुत ऐसा लग रहा है हमारे घर में किसी का चीला हो रहा है, ऐसे खुशबू आ रही है माशाल्लाह जी। ये किशमिश है, इसको तो बिल्कुल ही हल्का सा करना है, ये तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। जी रजी अल्लाह बार खुश रखे, आबाद रखे पूरी यूट्यूब फैमिली को, पूरी दुनिया को जो मुझे देख रही है, मेरा साथ दे रही है और मुझे सपोर्ट कर रही है, इसी तरह ही आपने मुझे सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी। आपने मेरे चैनल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, तो बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये देखिए, ये भी फूल गए, मोटे मोटे हो गए फूल के, फ्राई हो चुके हैं। फूलना शुरू हो गए, ये देखिए जी, ये कैसे फूलना शुरू हो गई है, मोटी मोटी हो गई है, इनको हिलाते जाना बस। हाँ, एक साथ करना ये। हाँ, जल जाएंगे, जल जाएंगे, और हमने जलाना नहीं है, पकाना है, इनको पकाना है। ये लो जी, चारों मगज आ गए, एक मेरा मगज है, एक अम्मी का मगज है, एक अब्बू का मगज है, सबके मगज, चारों मगज चटकना शुरू हुआ तो उतार लेंगे इसको भी बिल्कुल हल्की। चटक चटक होना शुरू हो गई, खुशबू देखें कितनी अच्छी। आप मेरे नजदीक होते मैं आपको भी इसी तरह ही खुशबू आती, पूरे घर में ऐसा लग रहा है किसी के घर, हमारे घर बच्चा हुआ चिले के आ रहे धीरे धीरे भी करते रहना। अच्छा, इनको छोड़ना नहीं है वरना ये जल जाएंगे। हाँ जी, ये फेर रही है ना मिक्स, ये एक सार हो रहे हैं, ये पहले ना हमारे कितने अच्छे फ्राई कर रही हैं आप। अम्मी अब्बू होते थे ना तो हम ये तरबूज वगैरह खाते थे, बीज वगैरह हम ये बनवाते थे, बनवा के ना फिर खाते थे। ये देखो कैसे चटक चटक हो रही है। हाँ जी, रोस्ट हो गए हैं, रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट, ये देखिए गूंदा मोटा, अब इसमें फूटेगा तो फिर जाके इसकी भुनाई होगी, ये फिर इसको ग्राइंडर में करेंगे बारीक, वरना ऐसे करेंगे ना मिक्सर में तो मिक्सर हमारी खराब हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है ना, हार्ड है ना ये, तो आपकी मिक्सर खराब हो सकती है, तो ये ऐसे ही कुटेगा, ये हो जाएगा ना, फिर मिक्सर में करेंगे इसको। अच्छा अच्छा, मिक्सर ही ऐसे तो फिर जल जाएगी। हाँ जी, जल जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये सब काम हो गए हैं, अब अम्मी दोबारा चूल्हा जला रही हैं, दोबारा कढ़ाई रख कर, अब इसमें क्या डालोगी? गूंद और ये नारियल, गूंद और ये नारियल और वो मखाने खाने। रब्बू भी खड़े हुए देख रहे हैं, वो मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, क्योंकि ये बनाते थे ना पहले। अच्छा, मेरी मम्मी बनाती थी, देखते थे ये भी। घी गर्म हो गया, ये अब इसमें फ्राई करेंगे भून। उसमें कितना घी देखो कैसे फूल गया। हाँ जी, ये देखें कैसे
इतना सा था, कितना सारा हो गया फूल करना। ये भी फ्राई हो गया है, इसमें ना थोड़ा टाइम लगा बहुत फ्राई होने में। देखें कैसा है फ्राई हुआ, क्रिच भी क्रिच भी गरम है। गरम जी, आपको दिखा रहे थे ना मैं गरम गरम। मैं चली गई थी, जी वक्फे पे चली गई थी, मैं नमाज पढ़नी थी। हाँ जी, अम्मी ने नमाज पढ़ के आई हूँ, अब दोबारा शुरू करते हैं, दोबारा बनाना स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा बहुत सामान रह गया अम्मी अब उसको भी फ्राई कर रही है, फिर उसके बाद फ्राई के बाद ना काम ख़त्म हो जाएगा आधा, फिर तो मिनट नहीं लगेगा बनने में। आपके लिए ताकत का सामान बना, आपको सबको खाना पड़ेगा, ये सबको दूंगी एक एक दो दो चम्मच। पहले नहीं खाते थे, जब तुम पैदा हुए थे ना तो मेरा बनता था, उस टाइम तुम छोटे थे खा नहीं सकते थे, अब मैं इसलिए बना रही हूँ, अब बड़े हो गए हो, अब आपने खाने आई, खाओगे ना? ठीक है। क्या हुआ आपकी उंगली को? मेरी उंगली बस थोड़ी मोच आ गई है, इंशाल्लाह ठीक है, नहीं कर सही है पहले से सही है। आपने दुआ कर दिया मेरे बेटे की उंगली ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जी ये देखिए हम मखाने फ्राई होने लगे हैं, बाकी मखाने हैं। ये तो वो लग रहे हैं पॉपकॉर्न। हाँ जी, तो इनको भी खा सकते हैं? नहीं फेंकेंगे फ्राई करके। नहीं फ्राई, इसमें जायका होता है या? खा के देखना ना क्या होता है। अच्छा अच्छा, चले जी खा के भी देखेंगे कैसा है। हाँ जी फ्राई करके कोई ये फेंकने तो नहीं है, इसमें मिला है। ठीक है, तो जी ये मखाने भी फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन ब्राउन अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, इसे भी बहुत टाइम लगा फ्राई होने में। चले जी अम्मी सारे निकाल रही हैं, और इसके बाद हाँ जी इसके बाद और क्या और भी होगा फ्राई इसके में? बाद ना अब ये है चने, दिखाओ मुझे ये इसको ना मिक्सर में डाल के। हाँ जी, थोड़ा सा ना पीस लेंगे। ठीक है, इनको ग्राइंड मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे। जी अम्मी की फ्राई चीज़ों का काम ख़त्म हो चुका है, अब ये कूटने का काम शुरू हो गया। जी तमाम चीज़ें ऐसी थोड़ी थोड़ी दरदड़ी सी कूटनी है, बिल्कुल बारीक कूटनी जैसे ये कूटनी है। देखो ये देखिए, और ये भुने हुए चनों का आटा है, ये जो भी ग्राइंड किया ना जो आपको दिखाए थे। मखाने भी अम्मी ने आधे पीस लिए और ये रह गए हैं बस थोड़े से। इनको भी ऐसे तकरीबन ना सारा सामान ओके हो चुका है रेडी, अब इन सबको जोड़ना है आपस में। ये देखें ऐसे ना मोटे मोटे दरदरे से करने हैं, हल्की हल्की जोड़ मारनी है इनके। हाँ जी, ज़्यादा बारीक नहीं करने फिर अच्छे नहीं लगेंगे, ज़्यादा बारीक में जायका नहीं आएगा। हाँ जी, इसको भी हल्का हल्का बताया आपने ना। इसको भी हल्का हल्का देखें, हल्का हल्का फ्राई हो गया, इसको ज़्यादा फ्राई करोगे तो इसमें से तेल निकल जाएगा, ये अपना तेल ही छोड़ देगा, वैसे हल्का हल्का समय फ्राई। ये तो इसमें लगे ही नहीं था, ये लगा चश्मे का लगी रुपया खाली होगी, ये लगाई कैसे
एक चम्मच इसमें काली मिर्चों की, काली मिर्च तो ये चुटकी भर जो है ये ऐसे इससे घर का आएगा। और ये है जी सब्ज इलायची, इससे भी कुछ हुआ है वो आएगी, इसको थोड़ा सा कर लें। पिसे हुए वो चनों का आटा पिसे हुए ये डाल के इसकी बुनाई तो करनी नहीं है, खुद ही बुना हुआ है। बहुत अच्छी आ रही है। देसी खान शक्कर जो भी आप समझे तो उसमें ये अपने हिसाब के मुताबिक डालनी है, जितना आपने खाना कम या ज्यादा अपने हिसाब से डालना है। इसमें भी ये गुटियाँ ना पिसे हुए कम हुआ तो फिर डाल लेंगे। तो इसमें तमाम आइटमें जो हमने बनाई हैं वो सब इसके अंदर चली जाएंगी। ये है छुआरे ये खोपरा ये बादाम ये जो भी अम्मी ने पीसा थी तमाम चीज़ें वो तमाम आइटमें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब्बू ने तो गुड कर दिया, पास हो चुकी हैं आप अम्मी जी। हाँ जी कमेंट में बताना है कुछ सही बना तो नहीं बना तो फिर भी आपने कमेंट करना है कि ऐसे कैसे बनता है। मैंने जैसे मुझे आया मैंने बना लिया, मेरी अम्मी अब्बू ऐसे ही बनाते थे तो वैसे ही मैंने बना लिया। तो जी आज की वीडियो आप इसको ये देखें जी, आप ये बताओ चक्के कैसा है। हो गया तैयार, कैसा लगा आपको? जब तो लूं पहले बता दी। जबरदस्त है, लाइट मीठा और जबरदस्त है। तो जी आप इसको 2-3 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होएगा। ये इस जार में डाल के रख दो, सुबह उठ के इतना सा खाया और चाय पी ली, दोपहर को खाना खाया, ये भारी है। सब चीजें इसमें ताकत की है ये। हाँ जी इतनी सजा, सुबह सुबह 4 बजे उठ के खा के चाय पी के सो जाओ, आँख नहीं खुलनी, फिर नींद आएगी। नहीं मैं यहाँ पे रख दूंगी बिल्कुल सामने।
तो जी आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी है, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आपके और मेरी रोजी रिजक में बरकत दे। अल्लाह ताला किसी तरह आपके और मेरे दस्तरखान सजे रहें। अपना ख्याल रखें, अपना दोस्तों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। हमें लव और आपको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद आपको पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो फुल देखनी है, फुल बात करनी है और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ जी, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि आज ये अम्मी ने कितने बर्तन इस्तेमाल करे हैं, ये मैंने बहुत मेहनत ऐसे ही आपने दस्तरखान सजाने, ये जैसे ही सज रहे हैं ना ऐसे सजाने। तो आप इसको ना किसी जार में डाल दें, ठीक, और रख दें। तो ये देखिए मैंने जार में डाल दिया। इसी तरह आपने इस तरह जार में डाल के ये सर्दियों की आइटम है। गर्मियों में तो बनती नहीं, जैसे अब सर्दियों का सीजन आ रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है, तो ये ठंडे मौसम में खाने की चीज है। हाँ जी, तो ये देखें आज अभी अम्मी जा रही हैं अपनी छोटी बेटी के घर, तो अम्मी ने कहा मैं उनका भी साथ ही लेती जाती हूँ, बाकी तो सिस्टर का मैं बाद में दे देंगी, बेटियों का भी हिस्सा। हाँ जी।